नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, satyhindi.com पर आपका स्वागत है। इधर काफी विलंब से अब ये मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, थोड़ा आपसे निजी कामों में ही इधर लगातार रहा। और इस बार कल देश में एक नई परिघटना हुई है, एक मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिसकी आबादी यूरोप से ज्यादा है और जिसमें 80 सांसद आते हैं जो लोकसभा के 1/5 हिस्से को प्रतिनिधित्व देते हैं एक तरह से। तो इतनी बड़ी राजनीतिक संख्या वहां से आती है सांसदों की कि उसका महत्व सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है 2022, और इधर पिछले 2 महीनों से हम उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी खबरें राष्ट्रीय मीडिया में देख रहे थे। बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी के एनालिटिकल विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि ये सब जो कुछ हो रहा था, इसमें बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रायोजित रहा हो और जिसकी वजह से उन मूलभूत समस्याओं से जिसमें सरकार जनता के सामने असफल साबित हो रही है, उनसे ध्यान हटाने में सरकार को सफलता मिलती है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और हम पाते हैं कि वो जो कुछ भी मीडिया में 1-1.5 महीने चला योगी जी के बारे में कि उनको हटाया जा रहा है, वहां किसको बनाया जा रहा है, वहां ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाया जा रहा है, ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह, ये खबरें भरी रही और मूल खबरें गायब रही। जो उसके पीछे की मूल खबरें थी वो थी महामारी में पूरी तरह से देश की प्रशासनिक असफलता और उसकी बहुत बड़ी कीमत हमारी आबादी चुका रही थी। जो कीमत वो जीवन से चुका रही थी, उससे बहुत कई गुना ज्यादा वो अपने आर्थिक तौर पर भी उसकी कीमत चुका रही थी, क्योंकि वो अस्पतालों में भटक रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रही थी, दवा नहीं मिल रही थी, पूरी तरह से लूटे जा रहे थे। जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, जो खासकर इस बीमारी से जुड़ी हुई दवाएं थी फ्लू वगैरह की, उनके बारे में आ रहे थे, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सेवी और दूसरी जगहों पर, लेकिन जनता की हालत त्राहे त्राहे मची हुई थी। नदियों के किनारे पट गए गरीब लोग अपनी लाशों को, क्योंकि उसके लिए जो क्रियाकर्म की कॉस्ट है वो पे नहीं कर पाए, तो हमारे यहाँ नदियों के किनारे लोगों को ले जाने का प्रचलन है। दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया ने उस सबको कवर किया था, और वैक्सीन की अनुपलब्धता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई। उसी समय ये राजनीतिक घटनाएं चर्चा में आई या डाली गई और उन्होंने सारा परिवेश बदल दिया, ऐसा हम पाते हैं। लेकिन उसके बाद अभी पिछले 1-2 महीनों से आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें आ गई और उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि लोगों के विमर्श का प्रमुख हिस्सा इन्होंने ही ले लिया, फिर वो चीजें दब गई। अभी हमारी स्थिति यह है कि अगर तीसरी लहर बन रही है, नीचे से तैयार हो रही है और आएगी, तो हमारी तैयारियां अभी जो भी स्क्रूटनी हो रही है उसमें यही पाया जा रहा है कि हम उसके लिए फिर तैयार नहीं है और फिर हम बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले क्रम में ही जाएंगे। अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में क्या संवरती जब वो ठीक ठाक स्थिति में भी बुरे हाल में थी। कुल मिला के एक बड़ा नकारात्मक परिदृश्य हमारे सामने है। बेरोजगारी असीमित है, बेरोजगारी इतनी प्रलयंकारी स्थिति में है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, राजू शर्मा जी को फिर से हमने एंगेज किया है देश के इस हाल हवाल पर। वो राजनीतिक चर्चाएं छोड़कर जो प्रशासनिक स्थिति है देश की, जो हमारे सामने समस्याएं हैं और उनको हल करने वाली मशीन जिस हाल में है, क्या इस मंत्रिमंडल के फेरबदल से उसमें किसी किस्म की कोई पॉजिटिव संभावना वो देखते हैं? यदि हाँ तो कहां तक और कैसे, यदि नहीं तो उसकी क्या वजह है, इस पर उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजू जी, और अब इतनी भूमिका बहुत है, आप बताइए इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप कैसे लेते हैं? शीतल जी, आपने परिदृश्य तो सेट कर ही दिया आपने प्रारंभिक जो आपने वाक्य कहे हैं, और महज ये तथ्य कि हम आप इतने महीने भर बाद लौट के नोएडा आए और आप बाधे हुए कि आप अपना पहला कार्यक्रम मंत्रिमंडल विस्तार पर कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह से जो इस पूरे प्रायोजन या इवेंट
या प्रबंध की जो एक चेष्टा के पीछे जो इंटेंट था, जो जो असली उसका अर्थ था, वो तो हम भी उसको सिद्धि कर रहे हैं या उसमें खेल जा रहे हैं, चाहे हम उस विस्तार को की आलोचना करें, कहें कि इस विस्तार से कुछ बदलता नहीं है, या हम उसका समर्थन करें जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से तो हमने बाजी शुरू में ही तय कर दी और इस कार्यक्रम का आयोजन ही सिद्ध करता है कि इंटेंट इस पूरे प्रयास का कुछ और था और वो सफल होता दिख रहा है। कई तरह से हम इस परिदृश्य को देख सकते हैं। इससे पहले कि हम स्पेसिफिक चीज़ों में आए कि कौन कौन लोग लिए गए, निकाले गए, कौन से नए विभाग बने या जो भी हुआ, दो तीन चीज़ें हैं जो सीधे मार्का वाली हैं। वो तो ये है कि पहली चीज़ तो मुहावरा का इस्तेमाल करें तो मुहावरा है कि बाल की खाल निकालना, लेकिन ये पूरा मसला तो ऐसा है कि बाल भी नहीं है तब भी खाल निकलती चली जा रही है अंतहीन तरीके से। दूसरा, आप ये बड़ा अद्भुत लगता है और कहीं एक प्रमोद पैदा करता है कि इसकी जो व्याकरण है या इसका जो नामकरण है मोदी टू, तो ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, कोई आम चुनाव देश में हो गया और मोदी जी जो है वो जबरदस्त मेजोरिटी लेके फिर से सत्ता में आ गए। ऐसा आभास कम से कम भाव के स्तर पर जो रेजीम है, सत्ता है, वो बनाने का या स्थापित करने का प्रयास कर रही है। थोड़ा सा हम पीछे चलें, आप भी चले थे पीछे, हमारे जो गृह मंत्री हैं जिनके पास एक नया विभाग आया है जिसका अजीब सा नाम सहयोग कोऑपरेशन है, लेकिन है वो सहकारिता विभाग, जो पहले कोऑपरेशन कह दिया। हाँ जी, तो जैसे वो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये सब नेहरू जी की देन थी, यही वापस लौट रही हैं। लेकिन चूंकि नेहरू जी ने देश की बर्बादी की थी कम से कम सत्ता के दृष्टिकोण से, तो वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बदल के नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस की जगह, और कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव जिसे कहते हैं, इस पे तमाम राग दरबारी आपको याद होगा, नॉवल, बहुत से नॉवल में उसका जिक्र आता है। बहरहाल, तो क्रोनोलॉजी का शब्द हमने बहुत सुना है पहले नागरिकता वाले आंदोलन में। तो यहाँ क्रोनोलॉजी आप देखें और याद करें, अप्रैल और मई का महीना, शुरू में तो लगा था जैसे अप्रैल का महीना बहुत विकट है, एक मशहूर कविता है उसमें भी कहा गया है कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, सबसे क्रूर महीना अप्रैल होता है, लेकिन मई हमारे यहाँ बहुत क्रूर साबित हुआ। और आपने जिक्र किया उन सारे मंजरों का, उन सारी तस्वीरों का जो कितनी पुरानी है, 1.5 महीना पुरानी है, जिन अवस्थाओं से या जिस मई जून की बात, जिस त्रासदी से हाँ लोग गुजरे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जब एक महीना तांडव चला और उसके बाद तेजी से नंबर कम हुए, होने ही थे, क्योंकि जितना नुकसान या जितना वायरस को करना था वो कर चुका था, सारे में उसका तांडव रचा जा चुका था, उसके बाद बहुत से अनूठे प्रयासों द्वारा देश के और विदेश के बहुत सारे डाटा साइंटिस्ट ने, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने और अखबारों ने तथ्य निकाले हैं कई दृष्टिकोण से, और उनमें से सबसे मारक या सबसे निर्णायक तथ्य है कि कम 12-15 राज्यों के जो सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा होता है जन्म और मृत्यु का, उसके आंकड़े उन्होंने जिलेवार और महीनेवार और सालोवार
बड़े बड़े लगभग 12 प्रदेशों के इकट्ठे किए, और हालांकि उसमें प्रांतीय वेरिएशन है, साउथ में अंतर कम है, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं 40 गुना 50 गुना का अंतर है, लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीर अखबारों में आने लगी और न्यूज़ में आने लगी कि हमारे यहाँ जो कोरोना से मृत्यु हुई है या जो त्रासदी हुई है उसका आकलन बहुत कम है, और जो लगभग 3 साल लगता है अगर इसका एक्सट्रपोलेशन पूरे देश के लिए करें, क्योंकि काफ़ी डेटा उपलब्ध है, तो लगता है कि करीब 10 गुना अतिरिक्त मृत्यु हुई इस दौरान बनिस्पत ऐसे सालों के जब कोरोना की मार नहीं थी, जिससे ये लगता है कि मृत्यु की संख्या 20 लाख और 30 लाख की अगर संख्या जो कही जा रही है वो अप्रत्याशित नहीं है, और उसकी उसमें जाने की या उसको उसका सामना करने की ज़रूरत है। उसके बनिस्पत शासन ने, सत्ता ने इस पर एकदम ज़बरदस्त चुप्पी साध ली है, बिल्कुल एक भी बयान इन आंकड़ों पर सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं और जो आंकड़े हैं वो दोनों इस दिशा की तरफ संकेत कर रहे हैं। अब आप ये जो हमारे जैसे नागरिक लोग हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको ये मयस्सर नहीं, ये तरकीब मयस्सर नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहे हैं और चुप्पी साध लें कि जी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और हम जो महीने भर चुप्पी साधे बैठे रहे, हमने उसको कोई तवज्जो ही नहीं। मैं आपसे अब एक एक करके कुछ सवाल पूछूंगा। वो जो चीज हमारे सामने है, देश के सामने है, सबसे पहले तो एक हमारे देश में सितंबर से किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है, वो हमारे एक खास हिस्से में, देश के उत्तर पूर्व के हिस्से के राज्यों में एक खास किस्म के किसानों के बीच ही बहुत लोकप्रिय है, लेकिन वो चल रहा है, दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है, और उसमें किसी भी किस्म की कमजोरी आने की या किसी विवाद में फंस जाने की या उसके टूट जाने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही, उसका कोई हल भी नहीं निकल रहा है। ये दुनिया में अपनी तरह का अनूठा आंदोलन है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं चल रहा है। हिंसक आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से इतने लंबे समय तक इतना बड़ी आबादी को लेकर एक कोई आंदोलन चल रहा है जिसका कोई हल न सामने है न पीछे था। आप इसके बारे में इस नए मंत्रिमंडल से या इस नए, आपने इस नए में कुछ नया नहीं पाया है, क्या सोचते हैं, क्या करेंगे लोग? कृषि मंत्री तो खैर वही है, वो तो विभाग बदला भी नहीं। देखिए, अब जो विस्तार के जो सूचनाएं आई हैं, और इसमें आपको ज्यादा याद होगा जो इंडिविजुअल जो लोग और उनको कौन कौन से विभाग मिले हैं, लेकिन मोटे रूप में पहली चीज मैं कहूँगा कि जब सर्व ज्ञात है और इस पर सर्व मान्यता है कि इस सप्ताह में कैबिनेट का कोई मूल्य नहीं है, लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय पीएमओ में लिए जाते हैं, प्रेसिडेंशियल रूप में लिए जाते हैं, तो कैबिनेट में कौन है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार का जो तरीका है काम करने का, पद्धति है, जो उसकी उसके रुझान है, जो वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो वही रहने वाला है। आपने फार्मर एजुटेशन की बात की, उस पर जो सरकार की नीति है कि इसको आप इसके प्रति आंखें मूंद लें और ये इंतज़ार करते रहें कि कब ये थक हार कर अपने घर चले जाएं, हम तो अपने इस जो 3 कानून हैं इनको लागू करके ही रहेंगे, तो वो बरकरार है। अब आप ये देखिए कि बेरोजगारी की आपने जिक्र किया, अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल चौपट स्थिति में चल रही है, हम सबको मालूम है सारे निर्णय जो वित्तीय होते हैं वो प्रधानमंत्री स्तर पर लिए जाते हैं, जो आपकी वित्त की मंत्री हैं उनके बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है और उनके कौशल के बारे में सवाल उठते रहते हैं, वो बरकरार हैं।
जो दिलचस्प चीज़ें हैं, एक दिलचस्प चीज़ तो ये है कि जो सत्ता के लोग या जो इनके शीर्ष नेता हैं, जो पिछली एनडीए सरकार में भी मंत्री रहे हैं या एक्टिव थे भारत सरकार में प्री 2014, उनमें से आप कितने इस मंत्रिमंडल में बचे हैं? पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, मेरे ख्याल से एक तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक नितिन गडकरी रह गए हैं, पीयूष गोयल भी शायद पहले मंत्री नहीं थे, तो मुझे लगता है कि केवल दो ही प्री 2014 के मंत्री बचे हैं, जो दो थे प्रमुख मंत्री, जावडेकर जी और प्रसाद साहब, वो दोनों त्यक्त हो चुके हैं और लगता है कि उनकी जो इशारा कम से कम मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि उनकी इनिंग्स अब कम से कम केंद्रीय स्तर पर समाप्त हो गई, उनका करियर यहाँ खत्म हो गया, और चूंकि प्रदेश में उनकी कोई खास वक्त नहीं है तो समझिए कि हो सकता है उनका राजनीतिक पर्दा ऊपर गिरने की स्थिति है। उसके बाद ये अच्छा, उनको इन दोनों के जो विभाग थे, आपका INB मिनिस्ट्री, IT वगैरह, उसमें हम जानते हैं कि तरह तरह की कंट्रोवर्सीज ट्विटर वगैरह को लेके हुई, तो कोई कह सकता है कि इस वजह से रविशंकर प्रसाद जी को जाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हाल में हुई हैं, चाहे वो INB मिनिस्ट्री में हुई हो या IT मिनिस्ट्री में हुई हो, प्रेस को लेकर जो नए, हाँ, या हेल्थ में हुई हो, जो नए नियम गाइडलाइंस IT पे बनी हैं, जिस पर आपने, मेरे ख्याल से आपके सत्य हिंदी में चर्चा नहीं हुई है, होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रशासनिक, उसकी जो गूढ़ता है, एक सेंसरशिप की स्थिति कायम करने की, उस पर एक चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा कभी, उसको भी अलग छोड़ते हैं। लेकिन ये सारी नीतियाँ केंद्रीय स्तर पर, शीर्ष स्तर पर तय हुई, ऐसा नहीं है कि किसी एक मंत्रिमंडल ने अपनी सोच थोप दी, दैट इज नंबर टू। तीसरी चीज़ आप देखिए कि जो लोग हेल्थ में जो नए मंत्री हैं, मैं तो उनका कोई काम जानता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्या विशिष्ट या विशेष काम भारत की गवर्नेंस सिस्टम में किया है कि वो इतने काबिल हैं कि वो हेल्थ जैसे सेक्टर को 3-4 महीने में और कोविड जैसी महामारी को संभाल लेंगे बेहतर तरीके से। और उनके पास भी ये अतिरिक्त चार्ज है, उनके पास एक दूसरा मंत्रालय भी है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि चिकित्सा जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल एक व्यक्ति, एक कैबिनेट मिनिस्टर उसको हैंडल करे। आप शिक्षा को लीजिए, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, अब श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को वो मंत्रालय सौंपा गया है, उनका शिक्षा की क्षेत्र में उनका क्या रुझान है या उनकी क्या काबिलियत है, कम से कम मेरी वाकफियत नहीं है। INB मिनिस्ट्री जो एक केंद्रीय बिंदु बना हुआ है इस समय प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वो एक जूनियर लेकिन कमिटेड, जिसे कहते हैं योद्धा, जो जवान योद्धा इस सत्ता ग्रुप के हैं, उनको सौंपा गया है, वो कैबिनेट मिनिस्टर INB के हो गए हैं। तो उससे आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये स्पष्ट ही है, मुझे और कुछ कहने की बात उसमें लगती नहीं है। और आप ये देखें कि इसमें ज़रूर, ये तो खैर सरकार की ठीक है, इलेक्शन में उन्हें जीतना है, आपने देखा होगा कि जाति के समीकरण, क्षेत्रों के समीकरण, विशेष रूप से चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश से लोग लाए गए हैं, जो अलग अलग राज्यों के लोग मंत्रिमंडल में लाए गए हैं, और जो एक पुरानी इनकी सफल पद्धति रही है कि छोटी जातियों के उन लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना, जो कि रीजनल पार्टीज की जो प्रमुख बैकवर्ड जाति होती है उससे विलग है, जैसे यूपी में यादव हैं तो यादव की जगह बाकी जो बैकवर्ड जातियां हैं, और भी प्रदेशों में इस तरह की स्थिति है, उनके एक एक नुमाइंदों को यहाँ पर जगह देकर
उसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण उसका ये है कि चिराग पासवान जी के एक कोई चाचा हैं, अब उनकी कोई ऐसी काबिलियत तो है नहीं गवर्नेंस में, वो तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं जानते प्रशासन के बारे में, उनको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस जीवन में शायद नहीं है, केवल भाई भाई के नाते वो भाई के नाते वो हो गए, वो भी मंत्रिमंडल में आ गए। मैं आपसे इकोनॉमिक्स पे पूछना चाहूंगा, इकोनॉमी में आप क्या देखते हैं जो हमारी अभी हालत है? ये तो माना जा रहा है कि अभी रिजर्व बैंक के जो भी चीफ हैं उन्होंने ये मान लिया था कि हम करीब 7.5% का ट्रैक्शन रहेगा 21 में भी हमारे साथ इकोनॉमी में, इसमें आप क्या देखते हैं? चूंकि लगातार दो वर्षों में इस महामारी की वजह से अगर हम माइनस में जाते, पिछले में हम जा ही चुके हैं, अगर इस वर्ष में भी हम माइनस में जाते हैं 7-8% का ट्रैक्शन होता है, तो हमारे लिए हम कितने सालों बाद इसकी रिकवरी करने की हालत में होंगे? हम एकाएक जादू तो कर नहीं देंगे, अगर हम 20% पीछे हो जाएंगे, 15% पीछे हो जाएंगे पुरानी स्थिति से 2 सालों में, जो कि हम हो रहे हैं, हो तो जाएंगे, क्या हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से? भाई आर्थिक जगत की जहाँ तक बात है उसमें आंकड़े तो साफ दर्शा रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो बड़े देशों में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित और नेगेटिव क्षेत्र में पहुंचा है। और ये भी इसमें याद रखना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था की गिरावट केवल कोरोना की वजह से नहीं है, वो उससे पहले 2 साल से लगातार चल रही थी, और जो एक वी शेप्ड रिकवरी और क्विक रिकवरी की बात हुई है वो भी धीरे धीरे धराशायी होती जा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन आगे की क्या स्थिति बनती है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि इस साल के अंत तक हम कहीं ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां ठीक ठाक टक्कर वायरस के प्रकोप को दे सके। अब मैं आपसे महामारी पर जो सबसे प्रमुख समस्या है और जो लगातार जारी है और जिसके बारे में विशेषज्ञों की शंकाएं बहुत खतरनाक है, उस पर बात करता हूं। क्या हम दिसंबर तक ये डेडलाइन 60-70% लोगों को वैक्सीनेशन की पूरी करने की स्थिति में आपको लगते हैं कि है? देखिए बीच में जो सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं भारत सरकार के श्री पॉल साहब, वैसे वो पीडियाट्रिशियन हैं लेकिन टास्क फोर्स के हेड हैं, तो वही स्टेट कॉन्फ्रेंस के सामने आते हैं। उन्होंने एक आंकड़ा दिया था 2-3 महीने पहले जिसमें 200 करोड़ वैक्सीन वगैरह का जिक्र था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें वो घट के 135 करोड़ हो गया। जब उनसे पूछा गया कि ये बदलाव कैसे हो गया, ये कमी कहाँ से आ गई, तो उन्होंने कहा कि वो पुराना आंकड़ा जो था वो एस्पिरेशनल आंकड़ा था। अच्छा। मतलब चूंकि एस्पिरेशनल आंकड़े, एस्पिरेशन आदमी में बेहतर होने के तो हो सकते हैं, लेकिन अगर सरकार आंकड़ों को भी एस्पिरेशनल बना दे बनिस्पत रियलिस्टिक के, तो स्थिति थोड़ी सी दुष्कर लगती है। तो मुझे असल में मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली वो 135 करोड़ की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, ये एक महीने से महीने की स्थिति से ही पता चलेगा कि रोज कितने, अभी भी आज की तारीख में भी मेरे ख्याल से 30-35 लाख की वैक्सीनेशन रोज हो रही है और उससे हम कहीं पहुंचते नहीं, लाख के आसपास होनी चाहिए वन बेस। तो उस लिहाज से वैक्सीनेशन 135 करोड़ की दवाएं की उपलब्ध हो जाए तो वो भी एक चमत्कार होगा, शायद उससे थोड़ी सी कम रह जाए, लेकिन मैं केवल एक दया की स्थिति इस तरह से देखता हूं कि अगर नए बहुत ही भद्दे किस्म के वेरिएंट पैदा नहीं होते और अगर हम ये माने कि जो डेल्टा वेरिएंट था या जो इससे पहले का दूसरी वेव थी उसने अधिकांश भारत में जबरदस्त तरीके से लगभग सभी को ग्रसित कर दिया है, और जो ग्रसित एक बार हो जाता है वो 6-8 महीने प्रोटेक्टेड रहता है अगर हम ये माने, और बाकी थोड़े वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, तो ये आशा की जा सकती है कि तीसरी वेव का प्रकोप उतना नहीं होगा जितना कि दूसरी वेव का था, लेकिन ये एक दैविक, ये एक स्थिति
हर्ड इम्यूनिटी वाली स्थिति है कि आप सारे ही प्रभावित हो गए तो अब और कौन प्रभावित हो जी। तो वैक्सीनेशन और स्वतः प्रभावित स्वयं प्रभावित लोगों की संख्या इतनी बड़ी हो जाए कि हमको दिसंबर तक वो राहत दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर नया वेरिएंट पैदा होता है और वैक्सीन के बगल से निकलने वाला वेरिएंट या पुराने इन्फेक्शन को भी दरकिनार करने वाला वेरिएंट पैदा हो जाए तो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरदराज के क्षेत्रों में जो स्थितियां हैं वो तो जैसी थीं उसमें कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे, ऑक्सीजन की समस्या शायद दोबारा पैदा ना हो। तो कुल मिलाकर एक स्थिति इस समय बड़ी नाजुक, मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गई भीती स्थिति है, लेकिन नाजुक स्थिति है। और आगे हम देख रहे हैं कि तस्वीरें तो ये बताती हैं कि जैसे ही खुलता है तो जितने त्यौहार हमारे देश में होते हैं या शादियां हमारे देश में होती हैं और या सैलानी लोग जाते हैं घूमने, तो वो भीड़ तो फिर से नज़र आ रही। अक्टूबर नवंबर का महीना शादियों का भी होगा और नवरात्रि का भी होगा और दिवाली का भी होगा, उसके बाद आपके इलेक्शन हैं, तो भीड़ तो इकट्ठी होनी ही होनी है। अब हम उसका कोरोना उस पर कैसे का पर उसका क्या प्रभाव होता है वो और वो किस तरह से दोबारा फैलता है, ये अभी एक सवाल के रूप में खड़ा है, नाजुक सवाल है। इधर भी जा सकती है स्थिति, उधर भी जा सकती है, वेव तो आएगी। केस तो इस समय आप अगर देख रहे हैं तो 45,000 पर आके रुक गया है मसला। और जो राज्य मेरे हिसाब से अपेक्षाकृत बेहतर डेटा देते हैं, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि उतनी एक स्तर के बाद कमी आनी बंद हो गई है। केरल में अभी भी 10,000 केस रोज हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 10,000 केस रोज हो रहे हैं, पुणे में केस बढ़ गए, 45,000 हम अभी भी छू रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार तो अद्वितीय हैं, वहाँ 100 ही केस होते हैं और 125 केस होते हैं 2,00,000 लोगों को टेस्ट करने के बाद। लेकिन मैं उन आंकड़ों में मतलब माफ कीजिए विश्वास करने की स्थिति में नहीं हूँ पुरानी चीज देखकर। तो इस समय जिसे कहते हैं कि स्थिति डावाडोल कही जा सकती है। चलिए आज इतने पे समेटते हैं, शुरुआत की है, अब आपसे बातचीत रेगुलर होती रहेगी उम्मीद है। लेकिन लेकिन ये अंत में जरूर कह दें कि चाहे अर्थव्यवस्था की विकटता का प्रश्न हो, चाहे कोरोना से निपटने की आगे की क्या रणनीति या संभावनाएं हैं उसका प्रश्न हो, उससे ये उसमें ये अपेक्षा करना कि मंत्रिमंडल के बदलाव या विस्तार से कोई फर्क पड़ने वाला है, तो कम से कम मैं उस चीज से न केवल असहमत हूँ, मैं उसे एक हास्यास्पद किस्म का प्रश्न मानता हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर ढंग से आपने समापन कर दिया, तो आपकी हंसी के साथ ऑल द बेस्ट। लेकिन ये कहेंगे कि ऑल द बेस्ट, जितने नए हमारे मंत्री आए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इन चीजों से पार पाए। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। तो दर्शकों आज इतना ही, फिर हम लोग फिर हाजिर होंगे फिर बहस लेके। अब मैं लगातार उपलब्ध रहूंगा आपके सामने, तो मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।